हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं होम डेकोर आइटम। सबसे पहले हमने बॉटल के ऊपर टिश्यू पेपर का एक लेयर लगाया है। उसके लिए हमने फेविकॉल एमआर में थोड़ा पानी मिक्स किया है और उसी से ये टिश्यू पेपर हम उसके ऊपर स्टिक करने वाले हैं। टिश्यू पेपर लगाने के बाद हम उसको कंप्लीट ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अभी ड्राई हो चुका है। मैं अब फेविकोल मोल्डेट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी होममेड क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पिकॉक की बॉडी बनाएंगे। पिकॉक की बॉडी बन चुकी है। अब हमें फेदर्स बनाने हैं। फेदर्स बनाने के लिए हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं और इन बॉल्स को सबसे पहले हम टीयर ड्रॉप शेप देंगे। पाउडर की हेल्प से हमको ये जो टीयर ड्रॉप शेप्स हैं इनको थोड़ा फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद हमको इसके ऊपर टेक्सचर देना है। मैं फेविकॉल एमआर की बॉटल का जो कैप है उसी से एक टेक्सचर दे रही हूँ। इसके अंदर एक सर्कल और बनाना है। मैं पेन की रिफिल यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद में एक नाइफ से मैं उसमें फिर से टेक्सचर दे रही हूँ। इसी तरह हमें सभी फेदर्स बना लेने हैं। पिकॉक की बॉडी को हमने ग्लू गन की हेल्प से बॉटल के ऊपर स्टिक कर दिया है और अब फेदर्स उसके ऊपर लगाने के लिए ड्राइंग शीट पे एक रफ स्केच बनाया है फेदर्स का।
ड्राइंग शीट हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि फेदर्स को हमें कैसे स्टिक करना है बॉटल पे। ये पिकॉक हमारा बनके रेडी हो गया है और ड्राई भी हो चुका है। इसी तरह हम एक पिकॉक और बना लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों पिकॉक रेडी हो चुके हैं। अब हम इस पे कलर करेंगे। मैं पर्ल मेटालिक ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ फेदर्स और पिकॉक की बॉडी के लिए। पिकॉक हमारे कलर हो चुके हैं और अब जो बचा हुआ बेस है बॉटल का उस पे हम ब्लैक कलर कर रहे हैं। बेसिक कलर जो है वो हो चुका है हमारा।
और अब जो पिकॉक की बॉडी और फेदर्स हैं उस पर मैं ग्रीन मेटालिक कलर से ड्राई ब्रश टेक्निक यूज़ करके उस पर मैं शेडिंग देने वाली हूँ। पिकॉक हमारा रेडी हो चुका है और अब जो ब्लैक बेसिक कलर है उसके ऊपर भी हम सेम ड्राई ब्रश टेक्निक यूज़ करके पर्ल ब्रोंज कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।